मेरे पापा मेरे लिए सबसे मेरे बड़ी चीज़ थे। पापा मैं आज अपने पापा के जैकेट पहन मैं के आज बैठा अपने हूँ। पापा कुछ कुछ दिन तो मैंने ऐसे बिताए कि मतलब जो पुराना बासी चावल रहता था उसमें मैं पानी डाल के अचार के साथ मिक्स करके खा लिया। मेरे पापा बस एक सूखी सी रोटी उसमें सरसों का तेल और नमक घस के खा लेते थे। रोहित की कहानी बहुत ही इंस्पायरिंग है, बहुत ही मोटिवेटिंग है, और खास करके उन लोगों के लिए जो जीवन में ये कहते हैं कि हमारे पास सुविधा का बहुत अभाव है। सुविधा के सारे अभावों को तोड़ते हुए, पार करते हुए, संघर्ष करते हुए रोहित ने आईटी का एग्जाम क्लियर किया। आज मेरे सामने बैठे हैं, आईटी दिल्ली से पढ़ाई कर रहे हैं, भारत के सबसे प्रीमियम इंस्टीट्यूट से। रोहित के पिताजी टैक्सी चलाते हैं और ये उनके पिताजी का संघर्ष है, उनकी दुआएं हैं कि आज बच्चा आईटी दिल्ली में बैठा हुआ है। आपसे मिलने के लिए मैंने 6 साल वेट किया। बहुत पहले से आपको देखता था, जब आपके 500 के सब्सक्राइबर वगैरह थे तो आपकी लेक्चर देख के मैं अपनी ट्यूशन फी बचा लेता था। तो हमारा बैकग्राउंड मतलब हमारा एक छोटा सा रूम है जिसमें मैं, दीदी, मेरी मम्मी और मेरे पापा। स्कूलिंग आपको प्राइवेट चाहिए और कॉलेज आपको गवर्नमेंट चाहिए, ये चलता रहता है इंडिया में। तो मेरे कहानी के दो मुख्य किरदार है, एक मेरी माता जी और एक मेरे पिताजी। मेरे पिताजी ने बचपन से संघर्ष किया है, वो क्लास 3 तक पढ़े हैं वो, और वो बचपन में जैसे 7 साल की उम्र से वो पैसे कमा रहे हैं ताकि वो अपने भाइयों को सपोर्ट कर सके पहले। फिर 7 साल, 7 साल की उम्र से, हाँ 7 साल की उम्र में मेरे पापा रेलवे स्टेशन में खीरे बेचा करते थे नमक लगा के। उसके बाद उन्होंने अपने पिताजी के साथ, जो मेरे दादाजी है, उनके साथ एक पान दुकान खोली, पान की शॉप खोली, और फिर उससे भी इनकम उतनी नहीं हुई तो बस कंडक्टर बने। बहुत कम उम्र में, 13-14 साल की उम्र में उन्होंने बहुत संघर्ष किया। बस कंडक्टर बन के उन्होंने देख देख के गाड़ी चलाना सीखा, मतलब उन्होंने खुद का फिर एक टैक्सी खरीदा। और जब मेरी दीदी पैदा हुई थी तो मेरे घर में छत नहीं थी, जब तक मैं पैदा हुआ तब तक एक छोटा सा रूम था, एक छोटा सा ही रूम था, और वो रूम मेरे हॉस्टल के रूम के इक्विवेलेंट है। वो सब याद करता हूँ तो बहुत इमोशनल रहता है। मतलब मेरे साथ तो ऐसा हो चुका है कि लाइफ में मैंने बहुत कुछ देखा है, मतलब बहुत जगह फेल भी हुआ, बहुत चीज़ पाने की कोशिश की, बहुत जगह फेल भी हुआ था मैं। और तो बड़े होते होते अगर आज मेरे को कोई 10 थप्पड़ भी मार दे तो आँखों से आंसू नहीं निकलते, इतना कुछ झेल चुका मैं अपने लाइफ टाइम में। और एक मतलब मिडिल क्लास फैमिली या मिडिल क्लास बच्चे का सपने बहुत बड़े रहते हैं। एक्चुअली जब 10th हुआ था, 10th में मेरे 89% थे, समथिंग, मैं क्लास में कभी 1st, 2nd, 3rd नहीं आया। और इसका ताना मम्मी आज तक देती है मेरे को, भले ही मैं आई दिल्ली में सिलेक्शन ले चुका, कि मतलब तुम क्लास में कभी 1st, 2nd, 3rd नहीं आए। तो मैं बैक बेंचर टाइप का था, क्लास का कोई स्पेशल स्टूडेंट नहीं था, जो क्लास के टीचर भी मेरे को देख के हंस दिया करते थे कि मतलब ये क्या ही जाएगा। कुछ कुछ दिन तो मैंने ऐसे बिताए कि मतलब जो पुराना बासी चावल रहता था उसमें मैं पानी डाल के अचार के साथ मिक्स करके खा लिया। कभी मेरे पापा तो मतलब मैं तो तब भी थोड़ा सा अच्छा सा खाता था, मेरे पापा बस एक सूखी सी रोटी उसमें सरसों का तेल और नमक घस के खा लेते थे। और मतलब मेरे पापा 16-16, 17-17 घंटे मेहनत करते थे, मतलब टैक्सी चलाते था कि मतलब आज भी चलाते हैं, मतलब करेंटली आज आईआईटी दिल्ली में भी हूँ, आज भी मेरे घर की कंडीशन उतनी सही नहीं है। भले ही आईआईटी मतलब बहुत बड़ी सक्सेस की चीज़ होती है, लेकिन मेरे लिए मेरे पापा सबसे बड़ी चीज़ थे। तो आज मैं आईआईटी दिल्ली की हुडी पहन के आ सकता था, मेरे पास थी भी, लेकिन मैं आज अपने पापा के जैकेट पहन के बैठा हूँ जो उन्होंने मेरे को दिया था।